الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला। और वो यहूद तो उस चीज़ यानी जादू के पीछे लग गए थे जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद हकूमत में शयातीन पढ़ा करते थे, हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई कुफ्र नहीं किया, बल्कि कुफ्र तो शयातीन ने किया था जो लोगों को जादू सिखाते थे। और इस जादू के इल्म के पीछे भी लग गए जो शहर बाबल में हारूत और मारूत नामी जो दो फरिश्तों पर उतारा गया था, वो दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे, यहाँ तक के कह देते थे कि हम तो महज आजमाइश के लिए हैं, सो तुम इस जादू के काम पर एतकाद रख कर काफिर मत बनो। इसके बावजूद वो यहूद उन दोनों से ऐसे मंत्र सीखते जिसके ज़रिए शौहर और बीवी में तफरीक कर देते, जुदाई डाल देते, हालाँकि वो इसके ज़रिए किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते थे मगर अल्लाह ही के हुक्म से। और ये लोग वही चीज़ें सीखते हैं जो इनके लिए ज़र्र रसा हैं और इन्हें नफ़ा नहीं पहुंचाती। और इन्हें यह भी मालूम था कि जो कोई इस कुफ्र
यानी जादू या टोने का ख़रीदार बनेगा उसके लिए अल्लाह के यहाँ आखरत में कोई हिस्सा नहीं, और वो बहुत बुरी चीज़ है जिसके बदले में उन्होंने अपनी जानों की हकीकी बेहतरी और उखरवी फलाह को बेच डाला। काश वो इस सौदे की हकीकत को समझ पाते। जज़ाकअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान ए प्लस और पब्लिक न्यूज़ की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन। आज जुम्मे का बाबरकत दिन है, आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। हम सब कौन? कारी नुमान सैफी, डॉक्टर अली वक़ार कादरी और हमारे बहुत ही प्यारे भाई मुफ्ती डॉक्टर खलीकुर रहमान। अस्सलामुअलैकुम। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको हमारी ट्रांसमिशन पसंद आ रही होगी। ये एक एफर्ट है, एक काविश है कि हम दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलें, दुनिया में जो मसाइल हैं उन पे डिस्कशन करें, उनको दीन से, दीन की रूह से, दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अंडरस्टैंड करें और फिर उनके ऊपर क्लैरिटी लेके आएं और फिर मसलों के हल की तरफ भी जाएं। हमारा गोल सिर्फ गुफ्तगू करना नहीं है, ढूंढना है वो तरीका कि हम जिस भी मसले में घिरे हुए हैं उससे शरई तरीके से कैसे निकला जा सकता है। और इसी वजह से फरहान अली वारिस और जुगन काज़िम आपके सामने हाजिर होते हैं एज होस्ट एंड एज तालिबिल। हम यहाँ पे सीखने के लिए बैठे हैं, हम ना तो इतने लर्नेड हैं और ना ही हमारे पास इतनी नॉलेज है कि हम आपको बताएं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसीलिए हमारे साथ रेनाउंड इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं, जैसे कि डॉक्टर अली वक़ार कादरी, मुफ्ती डॉक्टर खलीकुर रहमान और अलामा करामत अब्बास हैदरी, जो इंशाल्लाह हमें थोड़ी देर बाद ज्वाइन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा मौजू एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी बात है जो हमारे मुआशरे और हर घर का मसला है, और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में। आप किसी भी मजहब में देखते हैं तो इस एक चीज के बारे में बात भी की जाती है, ये माना भी जाता है कि ये एग्जिस्ट करती है, ये चीज है, लेकिन इस चीज से हमने इज्तनाब करना है, अपने आप को इससे दूर रखना है, वो है जादू, जिसको अंग्रेजी में ब्लैक मैजिक भी कहा जाता है। वेस्टर्न वर्ल्ड में आप वुडू डॉल्स के बारे में सुनते हैं, ब्लैक मैजिक्स के बारे में सुनते हैं, विचक्राफ्ट के बारे में सुनते हैं, उसी की मतलब लोकल वर्जन जो है वो आपको पाकिस्तान में भी मिलती हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है और क्लियर करने वाली बात यह है कि आखिर असल में जादू यानी कि हकीकत कितनी है और कितना अफसाना है। अब हर इंसान के ऊपर हर वक्त जादू तो नहीं हो सकता, एक तो ये फिजिकली पॉसिबल चीज नहीं है व्यूअर्स, और दूसरी बात सारे इतने वेले तो नहीं है ना कि वो बैठ के एक दूसरे के ऊपर जादू ही कर रहे होंगे। जहां पे जादू एग्जिस्ट करता है, हमारा मजहब भी इस बात को तस्लीम करता है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीस भी हैं, कुरान में भी हमें इस बात पे क्लैरिटी दी गई है, लेकिन हर मसले, हर प्रॉब्लम, हर इशू पे अपने ऊपर ये चीज तारी कर लेना कि मेरे ऊपर जादू हुआ है, और अपने हर रिश्तेदार और जानने वाले पे शक करना, ये अपने आप को पागलपन की तरफ और पागलखाने की तरफ पहुंचाने के तरीके हैं। कुछ बातें ऐसी हैं बहुत अच्छा बहुत जो अंडरस्टैंड करने वाली हैं। देखिए, अल्लाह ताला उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। अली भाई ने बड़ी ही प्यारी बात कही, मतलब नो डाउट आप डॉक्टर, पीएचडी डॉक्टर हैं, आप भी मुफ्ती साहब, हम सारे जो इस वक्त जो तीनों जेंटलमैन बैठे हुए हैं बड़े लर्नेड पर्सनैलिटीज हैं हमारे साथ, लेकिन आपने एक स्पेसिफिक जो बात की जब हम वजीफे का अपना सेगमेंट कर रहे थे। देखो व्यूअर्स, बड़ी सिंपल सी बात है, पांच वक्त नमाज नहीं पढ़नी, अपने फराइज पूरे नहीं करने, वो सब कुछ नहीं करना जो आपको पता है कि आप करेंगे तो आप नेचुरली अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे, लेकिन इस बात के बारे में बैठ के सोचते रहना कि मेरे ऊपर जादू हो गया, मुझे नजर लग गई है, लोग मेरा बुरा चाह रहे हैं, हजारों वसवसे जहन में लाने। जो इंसान पांच वक्त नमाज पढ़ता है ना और अपने फराइज पूरे करता है, वो रात को सुकून की नींद भी सोता है और उसके दिमाग में इस किस्म के वसवसे नहीं आते, और अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो भी जाए तो उसको पता है कि उसके मजहब में ही ऐसी चीजें हैं जो वो कर सकता है जिससे वो जादू के जो असरात है उससे बच जाए। बहुत अच्छा। अगेन मैं क्या आपको गाइड करूंगी व्यूअर्स, जब हमारे साथ इतने बड़े हमारी गाइडिंग फोर्सेस हैं, और ऑफकोर्स आपको पता है कि
इस मरहले में हम कलाम की तरफ भी जाते हैं, हमदे बारी ताला की तरफ। फिक्र ना करें फरहान भाई, द ग्रेट फरहान अली वारिस हमारे साथ हैं, लेकिन आज हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि जुम्मा मुबारक है तो कलाम पढ़ते हुए ही वो सेट पे एंटर होंगे। लेकिन एक बात ज़रूर आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी व्यूअर्स, कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सात हलाक करने वाले कामों से बचो। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि वो काम क्या हैं? आपने फरमाया एक शिर्क करना, दूसरा जादू करना, यानी कि शिर्क के फौरन बाद कहा कि जादू करना, तीसरा ना हक कत्ल करना, चौथा सूद खाना, पांचवा यतीम का माल खाना, छठा जंग में पीठ फेर के भागना, और सात नेक औरत पर बुरी तोहमत लगाना, बुखारी शरीफ। तो व्यूअर्स, इन चारों चीजों की रोशनी में हमें थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि हमारे माशरे में क्या मामलात और क्या मसाइल हैं। थोड़ा सा अपने गिरेबान में भी हम झांकेंगे इस ब्रेक के दौरान। जब वापस आएंगे तो फरहान भाई से हमदे बारी ताला सुनते हुए वापस आएंगे।